गोवा में कर्लीज क्लब के खिलाफ गोवा सरकार का सख्त रुख, सीएम प्रमोद सावंत के निर्देश पर उठाए गए कड़े कदम, चला बुलडोजर। रेस्टोरेंट पर चले हथौड़े, भारी सुरक्षा बल की तैनाती, उठाए गए एहतियात के तौर पर हर कदम। कोस्टल रेगुलेशन जोन के अधिकारियों की मौजूदगी में ढाया जा रहा है कर्लीज रेस्टोरेंट। सोनाली फोगाट हत्याकांड के बाद चर्चा में आया था ये रेस्टोरेंट, ड्रग कारोबार का हुआ था खुलासा। सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा पुलिस अब तक कुल 5 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। गोवा पुलिस ने हरियाणा आकर भी की थी जांच, जबकि सोनाली के परिजन कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में ढही 4 मंजिला इमारत, 4 मजदूर घायल, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। निर्माणाधीन इमारत जिस वक्त ढही, उस वक्त इमारत में हो रहा था काम, मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। यूपी के गाजियाबाद में फिर एक कुत्ते ने 10 साल के बच्चे को बुरी तरह काटा, पिटबुल कुत्ते ने बच्चे का चेहरा किया लहूलुहान, कुत्ते के मालिक पर 5,000 का जुर्माना। पिटबुल कुत्ते के काटने से बच्चे के चेहरे पर लगाने पड़े 150 टाके। गाजियाबाद में घर के सामने पार्क में खेल रहा था बच्चा, इस दौरान कुत्ते ने किया हमला। पहले गाजियाबाद और नोएडा से बच्चे पर कुत्ते के हमले के सामने आई थी तस्वीर। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में लिफ्ट में कुत्ते ने बच्चे पर किया था हमला। आज गणपति भक्ति में डूबा दिखा मुंबई, लालबाग के राजा का हुआ विसर्जन। मुंबई की सड़कों पर उमड़ा बप्पा के भक्तों का हुजूम, विसर्जन जुलूस पर जमकर उड़ा गुलाल। हैदराबाद में आज धूमधाम से हुआ गणपति का विसर्जन, गाड़ियों पर विसर्जन के लिए लाई गई भव्य मूर्तियां। हैदराबाद में ट्रेन से हुआ बप्पा का विशाल मूर्तियों का विसर्जन, बरती गई हर संभव सावधानी। मध्यप्रदेश के राजगढ़ में एसडीएम के दफ्तर में गणपति प्रतिमा स्थापित की गई, सरकार से समस्या के लिए गुहार लगाने वाले बप्पा के पास भी लगा रहे हैं समस्या के समाधान की अर्जी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन, तमिलनाडु में पदयात्रा पर निकले राहुल गांधी। तमिलनाडु के नागरकोइल राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, सुरक्षा इंतजाम सख्त। पदयात्रा के दौरान राहुल ने प्रदर्शनकारी किसानों और कुछ यूट्यूब चैनल वालों को साथ साथ दी टी पार्टी, बड़ी सहजता के साथ लोगों के साथ चाय बिस्किट खाते दिखाई दिए राहुल गांधी। पदयात्रा पर निकले राहुल गांधी को कार्यकर्ताओं ने भेंट किए तरह तरह के उपहार, बांस से बनी कैप, हाथ से चलने वाला पंखा और अंग वस्त्रम किया भेंट। नागरकोइल में कांग्रेस ने भारत यात्रियों के लिए रूम ऑन व्हील का किया इंतजाम, 14 नंबर कंटेनर में ठहरे थे जयराम रमेश। हाईटेक कंटेनर में आरामदायक सुविधाओं का रखा गया है भरपूर ख्याल, एसी सोफा और मुलायम बिस्तर का था इंतजाम। क्या ऐसे 60 कंटेनर हैं, करीब 230 लोग इस कंटेनर में रह रहे हैं। राहुल जी का एक कंटेनर है जहाँ एक बिस्तरा है, मेरा है, दो बिस्तरे वेणुगोपाल दिग्विजय सिंह जी, दो बिस्तरे हैं, वो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है कंटेनर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान विवाद में कोर्ट में हुई सुनवाई, शाही ईदगाह से जुड़े मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन कोर्ट में हुई सुनवाई। 4 वादों पर हुई सुनवाई, एक वाद में वादी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के घर में सुन्नी वक्फ बोर्ड के हाजिर न होने के कारण नहीं हो सकी सुनवाई। दिनेश शर्मा और हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक के बाद में अब 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जबकि मथुरा विवाद में शैलेंद्र सिंह के वाद पर 20 सितंबर को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आफत की बारिश, उल्लासनगर में जल जमाव से बड़ी मुश्किलें, गरजते बादल और तेज हवाओं के बीच बड़ी मुश्किलें, आसपास के इलाकों में बिगड़े हालात। थाने में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, रेलवे ट्रैक की जलमग्न। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के बाद यात्रियों की बढ़ी आफत, स्टेशन पर परेशान दिखाई दिए लोग। कल्याण में जोरदार बारिश की वजह से कल्याण की सड़कों पर भरा पानी, सैलाब में बहने लगी बाइक। भिवंडी में जल जमाव का संकट, सड़क पर सैलाब के बीच गुजरते दिखाई दिए लोग। नासिक में भी भारी बारिश से परेशान हुई जिंदगी, रिहायशी इलाकों में सड़कों पर करीब 1.5 फीट तक भरा रहा पानी। नासिक में गंगापुर डैम से पानी छोड़ने के बाद और बड़ी मुश्किलें, सड़क पर पानी भरने से फंसी गाड़ियां। नासिक के गणेश पंडालों में गहरा संकट, बारिश का पानी भरने से संकट। मुमरा इलाके में जोरदार बारिश से हाहाकार, नदी नालों में जबरदस्त उफान।
तेलंगाना के हैदराबाद में भी झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक पर ब्रेक। तेलंगाना में अभी आसमानी संकट टलने के आसार नहीं, मौसम विभाग का अलर्ट, 3-4 दिन तक मुश्किलें और बढ़ेंगी। कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में रात भर जबरदस्त बारिश होती रही, मेडिकल कॉलेज में भरा पानी, स्टोर रूम में बहने लगे सामान। बेंगलुरु में भी मूसलाधार बारिश से संकट, कई इलाकों में जल जमाव। उत्तराखंड के रामनगर में भी कुदरती संकट से बेहाल जिंदगी, सड़क टूट जाने से आफत। बिहार के अररिया में दलित नाबालिग बच्ची से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी मोहम्मद शहीद खान, मोहम्मद जावेद आलम और मोहम्मद फारूक को पुलिस ने बांका और मधुबनी से किया अरेस्ट। 19 अगस्त को 12 साल की दलित बच्ची को 5 आरोपियों ने वैन में किया था अगवा। गैंगरेप के कुछ आरोपी अभी भी फरार। शिवपुरी में बरपा हंगामा, जमीन विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला, महिला आरक्षक से हुई मारपीट, उपद्रवियों ने फाड़ी वर्दी। उपद्रवियों ने पुलिस के वाहन में भी की तोड़फोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। मथुरा के जैत इलाके में जिला सहकारी बैंक में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर की पूजा अर्चना। वाराणसी में काल भैरव मंदिर में सीएम योगी ने किए दर्शन, लिया आशीर्वाद। हावड़ा में शुभेंदु अधिकारी की सभा के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, 10 लोग जख्मी। शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी समर्थकों ने काले झंडे दिखाए तो शुरू हुआ बवाल, बीजेपी नेता ने हमलावरों को बताया पागल और उन्मादी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी एनसीपी, 10-11 सितंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कानपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने पर मची अफरा तफरी, पुलिस का को देना पड़ा दखल। श्रावस्ती पहुंचे 2 राज्य मंत्री, गौशाला की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं दिखे, लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई गई फटकार। मध्यप्रदेश के आगर मालवा इलाके में जनपद पंचायत सदस्य का पुलिस पर बदतमीजी का आरोप, सुसाइड की धमकी। नोएडा में बिजली विभाग की लापरवाही से लाइन मैन झुलसा, मौके पर मौत। वाराणसी में एक बार फिर शराब पीने को लेकर तोड़फोड़, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 की गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, लैपटॉप और कई अन्य दस्तावेज बरामद। दरभंगा के दानिश लॉज में भी एनआईए ने चलाया तलाशी अभियान, सभी छात्रों के मोबाइल फोन जब्त किए। एसडीपीआई के वाइस प्रेसिडेंट शफीकुर रहमान अहमद का बयान, अब तक की छापेमारी में कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए डर का माहौल बनाया जा रहा। एनआईए के एक्शन पर बिहार के मंत्री मदन साहनी का बयान, जांच के नाम पर किसी खास समुदाय को टारगेट करना उचित नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एनआईए की छापेमारी पर कहा, वोट बैंक की राजनीति के चलते बिहार जंगल राज से 2 कदम आगे निकल गया। दिल्ली के विकासपुरी में कुछ लोगों में बवाल, बीच बचाव करने गए शख्स की पिटाई। बिहार के सुपौल में हाई वोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ा युवक, देर तक चला ड्रामा। फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत, सीएम योगी ने मृतक के परिजनों के लिए 4 लाख की आर्थिक सहायता दी। सीतामढ़ी में 3 युवकों की जमकर पिटाई, ग्रामीणों ने किया अधमरा, बच्चा चोरी का आरोप। लखीमपुर खीरी में मासूम बेटे के सामने पुलिस ने बीजेपी नेता की जमकर पिटाई की, नाराज कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर होमगार्ड पर किया हमला। प्रयागराज में गोरखपुर से पहुंचे युवक ने जहर खाकर किया सुसाइड, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका। थाने में नशे की हालत में बुजुर्ग महिला की हत्या, आरोपी मां बेटे गिरफ्तार। रायसेन में यात्रियों से भरी बस पलटी, 17 जख्मी, 5 की हालत गंभीर। नवी मुंबई में तारकोल के प्लांट में लगी आग, देर रात तक हालात बेकाबू रहे। नालंदा में रेत माफियाओं का कहर, जब्त ट्रैक्टर और बाइक को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला। सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा सरकार का बड़ा एक्शन, कोस्टल रेगुलेशन जोन कानून के उल्लंघन के आरोप में तोड़ा जाएगा रेस्टोरेंट कर्लीज। सोनाली फोगाट के भाई ने प्रधानमंत्री से मिलने की जताई इच्छा, जांच से संतुष्ट नहीं है परिवार। अभिनेता रणबीर कपूर के बयान को लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाराज, ब्रह्मास्त्र मूवी देखने वालों का मुंह काला करने की धमकी। एटा में भू माफियों से परेशान परिवार आमरण अनशन पर, जिला प्रशासन से मांगी इच्छा मृत्यु की इजाजत। गुरुग्राम में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की छापेमारी, कई अहम दस्तावेज बरामद।